मेरे दोस्त, आपकी जीवन अनमोल है, तो आप एक काम जरूर करो कि बीमारी हमेशा हमेशा के लिए मिट जाए आपके शरीर से। नहीं तो सब पैसा कमाओगे और बीमारी में लग जाएगी तो कोई फायदा नहीं होगा। तो चलिए इस कमाल के वीडियो को शुरू करते हैं। सवाल नंबर एक, खाना नहीं पच रहा हो तो तुरंत क्या करना चाहिए? दोस्तों, अगर ज़्यादा खाना खा लिए हैं, नहीं पच रहा हो तो तुरंत क्या करना चाहिए? नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इसका सही आंसर है चीनी या मिश्री या कोई भी मिठाई तुरंत खाना चाहिए। तुरंत खाना पच जाएगी और शरीर जो है वो स्वस्थ हो जाएगी और पेट हल्का हल्का सा महसूस होने लगेगी। सवाल नंबर दो, खाना के साथ में अचार खाने से क्या फायदा होता है शरीर में? दोस्तों, नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा कि जानकारी आप तक मिले। दोस्तों, इसका सही आंसर है पेट में गैस नहीं बनता है और खाना जल्दी पच जाता है, इसीलिए खाना में नींबू निचोड़ करके खाइए या कोई भी अचार जो है वो खाइए रात के खाना में। इससे खाना आसानी से पचता है और गैस भी नहीं बनता है। सवाल नंबर तीन, जिनको पेट रोग की समस्या हो, खाना नहीं पचता हो, उनको क्या करना चाहिए? दोस्तों, नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे दोस्त जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इसका सही आंसर है उनको खाना खाने के बाद हाजमोला जरूर खाना चाहिए या रात में थोड़ा सा आधा चम्मच खाना खाने के बाद चीनी जरूर खाना चाहिए। इससे खाना जो है वो आसानी से तुरंत पच जाता है। दोस्तों, सवाल नंबर चार, ज़्यादा सोने से क्या होता है? दोस्तों, नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे दोस्त मेरे भाई जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इसका सही आंसर है दिन में ज़्यादा सोने से शरीर में खून की कमी और कमजोरी होती है, इसीलिए दोस्तों दिन में बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। हो सके तो 1 से 2 घंटा, इससे ज़्यादा न सोएं। दोस्तों, सवाल नंबर पाँच, जीवन में कौन सा काम लोग नहीं करते हैं कि हमेशा के लिए गरीब रहते हैं? दोस्तों, नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, पूजा पाठ और माता पिता का सेवा जो लोग नहीं करते हैं वो हमेशा के लिए दुखी रहते हैं और गरीब बन करके हमेशा के लिए रहते हैं। इसीलिए दोस्तों, आप लोगों से दोनों हाथ जोड़ करके मैं यही कहूँगा कि पूजा पाठ जरूर कीजिएगा और माता पिता का जितना हो सके उतना सेवा जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आप जीवन में खुशहाल हमेशा रहेंगे। दोस्तों,